जितने भी लोग मुझसे उमरा वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जितने भी मेरे एप्लीकेंट्स हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं कुछ गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान से सुनिएगा। या फिर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा। ओके, उमरा वीजा सबको पता है कि ये एक सिंगल एंट्री वीजा है और 90 डेज इसका वैलिडिटी, इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। आप सऊदी आने के बाद ये मत सोचिए कि इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, नो वे, इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ओके, ये सिंगल एंट्री वीजा है, इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। और दूसरा एक बात, आप सब लोग जो भी रेस्पेक्टेड मेरे एप्लीकेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए जद्दा एयरपोर्ट से मक्का का ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब आप बस से जाएंगे यहाँ से, कई बार ऐसे होता है कि आप उस बस में बैठ जाते हैं जो नखवा वाला होता है और उससे हमें पेनल्टी लगता है, और ह्यूज पेनल्टी लगता है, और वो पेनल्टी आपको ही बेयर करना पड़ेगा अगर आप बैठेंगे तो इसीलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए आते हैं उस समय आप क्लियर बता दीजिए कि मैं कौन से एयरपोर्ट में आऊँगा और कैसे जाऊँगा। अगर मान लीजिए जद्दा आ रहे हैं उमरा के लिए, आप मक्का जाएंगे एयरपोर्ट से ही, तो कैसे जाएंगे उसी हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे, नहीं तो बाद में पेनल्टी आता है, फिर अनवांटेड डिस्कशंस होते हैं, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, और तीसरी बात, जो इंश्योरेंस रहता है उमरा वीज़ा के साथ जो आता है, वो इंश्योरेंस हम कुछ नहीं कर सकते उसको। जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बस पासपोर्ट का कॉपी और फोटोग्राफ्स अपलोड कर देते हैं, बाकी डिटेल उससे कैप्चर हो जाता है, और वीज़ा इशू होने के बाद में, मुफा नंबर जनरेट होने के बाद में इंश्योरेंस अपने आप जनरेट हो जाता है। इसमें कोई ट्रैवल एजेंसी चूज़ नहीं करता है कि कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, क्या अच्छा वाला होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। ओके, और एक बात, जब आप उमरा वीज़ा में आते हैं तो अपना डेट डिसाइड कर दिया, यही रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्लाइट टिकट्स इंडिया से सऊदी और सऊदी से इंडिया दोनों का करके आइए, प्लान करके आइए अपना, और कोशिश यही कीजिए कि 80 डेज के अंदर में ही सऊदी से चले जाए। 89 डेज 90 डेज में अगर आप जाना चाहेंगे और फ्लाइट आपका डिले हो गया, छूट हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, मुझे भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा क्योंकि आपको ट्रैवल बैन लग सकता है, अगर कुछ वायलेशन ज़्यादा है तो जेल भी हो सकता है, 10 तरह की चीज़ें हो सकते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और 90 डेज से पहले, मान लीजिए 82 डेज के अंदर में ही आप ट्रैवल कीजिए, और जब भी आप टिकट बुक कर लेंगे तो मुझे आप टिकट दे दीजिएगा, क्योंकि हमें वो ट्रैक करना रहता है कि कौन सा एप्लीकेंट निकला, सऊदी से बाहर गया या नहीं गया। ओके, एयरपोर्ट अराइवल्स में अगर आपको ज़बरदस्ती कोई बस में बैठाएगा मत बैठिएगा, आप बोलिए कि मेरा कोई आने वाला है या फिर मैं मेट्रो से जाऊँगा, नहीं तो आप वो नकाबा वाला बस में बैठ जाएंगे और पेनल्टी लगेगा, और पेनल्टी भी लगभग 500 या 10,000 रुपये 11,000 रुपये इस तरह का पेनल्टीज होता है, कौन बियर करेगा, इतना उसमें ओवरहेड्स भी नहीं रहते कि वो कवर हो जाए। ओके, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। और आखिरी एक जरूरी बात कि ये वीज़ा जो है उमरा वीज़ा, वो कभी भी आप इशू कर सकते हैं, कभी भी, मतलब आज आपका एक उमरा वीज़ा इशू हुआ, रात में आपने ट्रैवल करा, एक हफ्ता आप सऊदी में रुके, फिर वापस आ गए, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको फिर से जाना है, वीज़ा वैलिड है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आप सबमिट कीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा, ट्रैवल कीजिए। ओके, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 90 डेज वीज़ा एक्सपायर होने के बाद ही आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं, ये कंफर्म्ड न्यूज़ है। बाकी प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी बहुत डिस्कशन होता है कि भाई कितना प्रोसेस टाइम लगेगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। वीज़ा प्रोसेसिंग में कई बार 1-2 घंटा भी लगता है, कई बार 5 घंटा, कई बार 1 दिन, कई बार 2 दिन, हमारा काम है वीज़ा अप्लाई करना और आपको वीज़ा आने का दे देना। कोई भी ऐसा एजेंसी या फिर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो वीज़ा अपने पास रखेगा इशू होने के बाद और आपको नहीं देगा, हम यही चाहते हैं कि वीज़ा लो, सर्विस कंप्लीट करो, नया एप्लीकेंट लो, पोस्ट करो और साइकिल रन करते रहे। ओके, तो जब भी आप प्लान करें अपना ट्रैवल तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम एक महीना पहले अपना वीज़ा रेडी कर लीजिए। ओके, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मैंने टिकट बुक करना है, टिकट बुक कर लूँ वीज़ा से पहले, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, वीज़ा अगर इशू नहीं हुआ तो कौन गारंटी देता है कि वीज़ा इशू हो ही जाए, अब तक मैंने जितने भी वीज़ा इशू करे हैं कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ, ओके, एक भी रिजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तभी भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि पहले वीज़ा एक्वायर कर लो, इसके बाद ट्रैवल प्लान करो। ओके,
90 डेज का वीज़ा वैलिडिटी होता है, मान लीजिए 80 डेज आपका है ट्रैवल का, वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, वीज़ा अपने पास रहेगा आपके पास और आप फ्री माइंड होके आप ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो आपने टिकट बुक कर लिया, दिमाग में ही रहेगा क्या पता वीज़ा कैंसिल हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो वो अनवांटेड आप इन्वाइट कर रहे हैं टेंशन अपने आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। बाकी स्टे पीरियड वैलिडिटी कैसे उसको चेक करना है, रीड करना है, मेरे वेबसाइट में जाइए, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं डिटेल में, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है उसमें एक फ्लैट डिस्काउंटेड रेट रखा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी से ज़्यादा लेता हूँ किसी से कम, एक फ्लैट डिस्काउंटेड रेट है उस पर आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। क्लियर पासपोर्ट का कॉपी भेजिएगा, ऐसा नहीं कि मोबाइल सारा तेरा खींच के भेज दिए, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे गलती होने का चांस कम रहता है, क्योंकि पासपोर्ट से ही वो डिटेल कैप्चर करता है। पासपोर्ट सही होगा, क्लियर होगा तो डिटेल क्लियर होगा और आपके वीज़ा में गलती का कम चांस रहता है। फोटोग्राफ्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट का फ़ोटो ही ले लेंगे, लेकिन अगर बच्चा है और आपको लगता है कि जो पासपोर्ट में फ़ोटो है उसके अलग दिख रहा है अभी वो, तो उस केस में आपको एक फोटोग्राफ भी देना है, कोई सा भी बैकग्राउंड का दीजिए, हम चेंज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, बस डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, पेमेंट कीजिए, और कई लोग जिनको मैं जानता हूँ जो सऊदी में रहता है वो पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। ओके, कई लोग बदमाश होते हैं, पेमेंट के लिए बहुत परेशान करते हैं, ऐसा मत कीजिए, पेमेंट आपको करना है, सर्विस हो गया अपना चुपचाप पेमेंट कर लीजिए, फॉलो अप नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत ही इडियट्स होते हैं, सॉरी बट इडियट्स होते हैं वो, बहुत फॉलो अप करना पड़ता है। ओके, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।